पक्ष परीक्षा है। पक्ष परीक्षा की चार प्रमुख विधियां हैं, देखना, छूना, ठोकना, सुनना। रोगी को सीधा लिटाकर तेज रोशनी डालते हुए छाती की बनावट तथा उसमें आई हुई विकृति को देखना। अपने दोनों हथेलियों को गर्म करके रोगी की छाती पर रखना तथा रोगी को लंबे लंबे श्वास खींचने के लिए कहना। यदि छाती के नीचे बलगम जमा होगा अथवा कुछ विकार होगा तो हथेली के नीचे किसी प्रकार की लहर का अनुभव नहीं होगा, अन्यथा एक समान रूप वाली लहर का अनुभव होगा। ठोकना, बाएं हाथ और उंगलियों को रोगी की पसली पर रख कर पसली को धीरे से दबाएं तथा सीधे हाथ के बीच वाली दो उंगलियों से उन बाएं हाथ की उंगलियों पर चोट करें। इस प्रकार स्थान स्थान पर ठोकने से रोगी के फेफड़े की सही स्थिति का पता चलता है। जिस जगह से भिन्न प्रकार की ध्वनि सुनाई दे वहां खराबी समझनी चाहिए। सुनना, दिल, छाती, फेफड़े, पीठ व अन्य स्थानों के भीतरी ध्वनि सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। स्टेथोस्कोप द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियाँ का अनुभव कर रोगी स्थान तथा रोग के विषय में अनुमान लग जाता है। सौ सौ शब्द सुनाई देना स्वाभाविक अवस्था का सूचक होता है। दमा, खांसी, क्षय तथा श्वास नली प्रदाह में अनेक बाजों के एक साथ साथ बजने जैसी सुनाई देती है। कफ की अधिकता में घर घर शब्द सुनाई देती है। फेफड़े की झिल्ली के पर्दा में खसखस जैसी आवाज होती है और फेफड़ों में रक्तस्राव टप बफ टप वक की आवाज़ आती है। उक्त चारों विषयों का सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए एत द्विषयक साहित्य का गहन अधिक तरीके से करना है। अध्ययन करते समय विशेष जानकारी के लिए स्टेथोस्कोप गाइड नाम की पुस्तक को भी पढ़ना है। अब आगे स्वास्थ्य परीक्षा।